कॉलेज का सीन बहुत सारे सीन्स थे हां पूरा इसमें जो लास्ट में हीरो झंडा गाड़ के जम्मा अभी तक झंडा का स्टैंड भी वही है देखे ना कुछ साल हो चुके उसको अब उन्होंने देखा था शूटिंग के वक्त बहुत सारा शूटिंग हुआ बर्फी हुआ ये बहुत सारा हुआ और ये था रोप वे जो अभी बंद है ये अभी मेंटेनेंस में चल रहा है ये दो दिन आगे में खुला था हाँ। अभी ये मेंटेनेंस में अभी ये बंद कर दिया अभी क्योंकि ये छह सात महीना आगे में बंद था उसके बाद एक ही बार में खुला तब कुछ प्रॉब्लम हो गया प्रॉब्लम हो गई फिर बंद कर दिया तो अब इसको जब ठीक ठाक करेंगे सब सही होगा फिर चलेगा। हाय गाइस फाइनली आई एम इन दार्जिलिंग नाउ एंड घूमते घूमते अभी आप यहाँ पे नो एक भैया है जो वो हमें घुमा रहे हैं पूरा एंड अभी फिलहाल मैं आई हूँ आपके टी गार्डन में सो आप यहाँ से व्यू देख सकते दिस लुक सो ब्यूटीफुल। लुक दे वहाँ पे कुछ लोगों का घर है बीच में एकदम और फिर बिल्कुल खाली 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 एंड देन फिर वहाँ पे उस तरफ है इस तरफ तो पूरा जंगल एंड लुक एट दिस व्यू मैन दिस इज सो ब्यूटीफुल गाइस लुक एट दिस व्यू मैन मैं मतलब कभी इतना सुंदर नहीं देखा। 172 उत्तराखंड उधर पे मेरे को दिखा था ऐसा एंड नाउ आफ्टर मेनी इयर्स आई हैव सीन सच अ व्यू। ये तो ऊंचाई से है फिर भी आप चाहो तो बहुत नीचे जा सकते हो दिस इज़ अ टी गार्डन एंड मैं तो काफ़ी ऊपर ही हूँ बिकॉज मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है ना इट्स 4:30 एंड आई नीड टू गो और ड्राइवर भैया वेट कर रहे हैं वहाँ पे एंड मन नहीं हो रहा यार जाने का सो प्रिटी लाइक वहाँ पे घर भी बने लोगों के यहाँ के जो निवासी है वो तो सड़ नीचे उतर गए ऊपर उतर जाते हैं मेरे से होते ही नहीं है। उतरने में भी मुश्किल होती है चढ़ने में और ज़्यादा थोड़ा सांस ले लो फिर मिलते हैं तब तक आप व्यूज देखो। नाटक नहीं है ये रियलिटी है पता नहीं यार लोग माउंटेन चढ़ कैसे जाते हैं मतलब मेरे से तो यहाँ से यहाँ नहीं हुआ गाड़ी में पानी है पानी मेरा सहारा है अभी जापानीज टेम्पल एज यू कैन सी एंड आई एम गोना गो अपसाइड ये है आपका पीस पगोड़ा गाइस जैसा कि आप देख सकते हो बहुत सुंदर है मेरे कान थोड़े से सुन टाइप के हो गए ठंडे एकदम यार पता होता ना इतनी ठंडी है जैकेट स्वेटर सब लेके आ जाती मैं ठीक है नहीं लाई अब जो है उसी से काम चलाओ ज़्यादा दिन हूँ नहीं मैं आई एम हियर फॉर ओनली 2 डेज बेसिकली एंड अब करेंगे चढ़ाई
Now you're gonna go upstairs. कुछ रेस्ट्रिक्शंस है जैसे कि यू हैव टू मेंटेन साइलेंस वेरी स्लोली, बिल्कुल शोर मत मचाना। दूसरा, डू नॉट सिट ऑन द रेलिंग, यहाँ पे बैठना मना है क्योंकि लोग कभी कभी बैठ जाते हैं, यू नो। एंड देन यू नीड टू ओपन योर शूज देयर जहाँ मैंने खोला है। सो बेसिकली यू नीड टू फॉलो द गाइडलाइंस। फाइनली राइट नाउ आई एम एट द कैबिनेट एंड आई हैड टू ट्राई सम ऑफ द पेस्ट्रीज हियर। तो बेसिकली मैंने दो पेस्ट्रीज लिया है, दिस वाज द मोचाचिनो पेस्ट्री एंड दिस इज द कैरमल वन। सो आई एम गोना टेस्ट बोथ ऑफ देम, इट्स रियली गुड। एंड ग्लेनरीज वैसे भी फेमस ही है फॉर यू नो दिस बेकिंग आइटम्स लाइक कुकीज, केक्स, पेस्ट्रीज, मफिन्स एंड ऑल। सो आई एम हियर टू टेस्ट सम ऑफ देम एंड इफ आई लाइक आई एम गोना गेट सम मोर। बोथ ऑफ देम कॉस्ट मी 50, दिस वाज अ 50 एंड दिस वाज आल्सो अ 50। चलो मैं ये खा लेती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। हाय गाइस, सो फाइनली अभी मैं रूम आ चुकी हूँ एंड रूम आने के वक्त मैंने रास्ते पे देखा वहाँ पे यू नो चिकन विंग्स, लेग पीस, चिकन पकौड़ा, नूडल्स बहुत कुछ बन रहे थे। सो मैंने थोड़ा सा वहाँ पे खाया, बाकी मैं रूम पे ले आई हूँ गर्मा गर्म, अभी इसको मैं खाऊंगी। बाय द वे मैंने दो शॉल्स भी खरीदे हैं, यहाँ पे काफ़ी सस्ते में मिल रहे थे। बोल रहे थे कि एक का दाम होगा 450, बट यू नो दैट्स नेवर ट्रू, बार्गेनिंग इज अ मस्ट। तो 450 का उन्होंने एक बोला, मैंने 500 में दो ले लिया। एंड नाउ आई एम गोना हैव माय डिनर, यही होगा मेरा डिनर क्योंकि नूडल्स मैंने खा लिए हैं और कुछ विंग्स और लेग पीसेस मैं लेके आई हूँ एंड आई एम गोना ईट इट नाउ। उसके बाद मैं अभी सो जाऊँ क्योंकि कल सुबह उठना है मुझे और टाइगर हिल भी जाना है, तो उसके लिए मुझे उठना पड़ेगा सुबह 4:30, गाड़ी यहाँ आ जाएगी एंड आई नीड टू वेक अप बाय 3:30। बेसिकली एक घंटा तो चाहिए होता है वेकिंग योर सेल्फ अप, कपड़े समेटना एंड ऑल, डूइंग ऑल द मॉर्निंग स्टफ्स एंड ऑल एवरीथिंग, बिकॉज उसके बाद 12 बजे के बाद मेरा चेकआउट है। उससे पहले सब कुछ हो जाएगा, टाइगर हिल्स एंड फ्यू अदर विजिटिंग पॉइंट्स आर लेफ्ट जो वो भैया मुझे घुमा देंगे। अभी मैं खाती हूँ, खा के मैं सो जाती हूँ। बाय बाय, गुड नाइट।